Good morning friends. This is Bhupendra Singh Rai from CMA Institute. And uh, let's we begin the MCQs of our uh, four poems. The first one is The Road Not Taken which was composed by Robert Frost. Just like in Hindi literature Sumitranandan Pant is known for the poet for writing the natural poems in the same manner Robert Frost and William Wordsworth दीज आर द टू पोएट्स दे आर बेस्ट नोन फॉर नेचुरल पोएम्स एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग तो हो सकता है कभी एम सी क्यूज में रॉबर्ट ब्राउनिंग और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाए तो विशेष तौर पर इस पोएम के लिए जब बात की जाती है द रोड नॉट टेकन तो ये कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज़ पोइट ऑफ दिस पोयम मीन्स द रोड नॉट टेकन नवा नाम मैंशन होगा तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कम्पोज किया है वॉट वॉज द पोएम वॉट डज द पोएम स्पीक अबाउट ये पोएम किस चीज़ के बारे में बात करती है तो अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम इस पोएम में बार बार रोड का जिक्र किया गया है तो उसका मतलब क्या है द पाथ विच वॉज लेफ्ट कि वो रास्ता जिसको बहुत सारे लोगों ने नहीं फॉलो किया ठीक है तो हमें ऐसे डिफरेंट पाथ पर जा कर के ही लाइफ में सक्सेस मिल सकती है विस थिंग डिसाइड ए पोएम फ्यूचर बाय दिस पोएम तो द पाथ आर चूजन टू वॉक यानी कि

वाइज द पोइट आस्किंग टू बी वाइज वाइल्ड चूजिंग अ पाथवे किसी भी रास्ते को चुनते वक्त हमें बहुत ज़्यादा वाइज होने की क्यों ज़रूरत है तो बिकॉज देर इज़ नो गोइंग बैक ऑप्शन क्योंकि वापस लौटने का कोई समय नहीं होता बिकॉज द टाइम विच इज़ पासड कैन नेवर बी रिगेन वॉट डज डाइवर्ज मीन टू बी सेपरेटेड एंड टैकिंग अ डिफरेंट टर्न डाइवर्जिस का मतलब होता है यहाँ पर कि डिफरेंट पाथ जहाँ जहाँ जा कर के हम अपने रास्तों को बदल सकते हैं पॉइट एबल टू ट्रेवल ऑनली वन रोड और एक व्यक्ति तो पर चल पाएगा मीनिंग ऑफ येलो वुड इजो स्टैंडोड फॉर दलोइ लिवस विद जनरली फॉल फ्रॉम द ट्रीज ड्यूरिंग द ऑटम सीजन तो पज्जड़ के मौसम में जनरली uh, जंगल जो है वो पीले रंग के दिखाई देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका वॉट डज येलो वुड represents? तो ये शो करता है आपके ओल्ड पीपल्स को वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पाथ तो वो पाथ की तरफ क्यों उसको बार बार देख रहा है पोएट जाने से पहले तो टू डिसाइड इफ इट वॉज सुटेबल फॉर हिम वो जानना चाहता है कि जिस पाथ पर वो चलने वाला है वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है वॉट डज पोएट लॉन्ग stare एट द पाथ सिग्निफाई लंबे समय तक पोइट जो है उस पाथ को देखता है इसका क्या मतलब है तो द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मैक ए चॉइस किसी भी चॉइस को या किसी भी डिसीजन को करने से पहले लोगों को कुछ देर सोचना या समझना चाहिए वॉट डज ग्रासी मीन द रोड विच इज़ नॉट यूज बाय एनी वन जिस द पाथ ऑन विच द पीपल आर नॉट मूव ऑलरेडी द ग्रास विल बी वेरी फ्रेश हियर द रोड इज ग्रासी दैट मीन्स इट इज द पाथ विच वॉज नॉट फॉलोड बाई एनी पीपल वॉट डज दैट द रोड इज़ नॉट यूज बाय द मैनी पीपल ऐसा रोड जिसको बहुत जो बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो क्या होगा द ग्रीन ग्रास ऑन इट तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ग्रास जो रहेगी वो फ्रेश दिखेगी वॉट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई रोड की चॉइस क्या सिग्नीफाई करती है तो इट शोज़ द टफनेस ऑफ चॉइस एंड डिसीज़न इन लाइफ कि लाइफ में हम आ, किसी भी डिसीजन को लेते वक्त किसी भी चीज़ को अपनी चॉइस बनाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा Uh, सोच विचार कर ऐसा करना चाहिए वाई डिट पोएट चूज़ सेकेंड रोड बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ड एंड नंबर एटीन वॉट डज द पोएट डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेबल रोड सिग्निफाई पोइट ने जो है एक ऐसा रास्ता अडॉप्ट किया आगे बढ़ने के लिए ठीक है जिसको कि बहुत जिस पर बहुत कम लोग चले थे तो इट शोज पोइट एबिलिटी तो ऐसा शो करता है कि पोएट में रिस्क लेने की एबिलिटी है नेक्स्ट डू द द वर्ड्स लॉन्ग स्टूड मीन इन पोएम इस पोएम में अगर कोई वर्ड आया है लॉन्ग आई स्टूड इसका मतलब क्या है मीनस पोएट जो है बहुत देर तक इस डिली में है जहां पर वुड्स के अंदर दो रास्ते डाइवर्स होते हैं वो वहाँ खड़ा होकर के देख रहा है कि ऑन विच पाथ एक्चुअली हैव आई टू मूव ऑन दिस पाथ और ऑन दैट पाथ वॉट इज़ द डिलीमा ऑफ द पोएट पोएट की जो डिलीमा है वो क्या है तो वैदर ही विल कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट कि मान लीजिए कि वो एक रोड पर आगे जाता है और उसे वो समझ में नहीं आता तो क्या वो वापस सेकेंड रोड पर आ पाएगा नहीं सो so, फ्रेंड्स इसी पोएम के अंदर कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ द फर्स्ट वन इज़ एजोनेंस इट इज़ द रिपीट ऑफ वॉबल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स किसी भी स्ट्रेंजाज में जो लाइन आती है उसके अंदर जो क्लोज वर्ड्स होते हैं तो अगर उनके अंदर सेम वॉबल साउंड्स होता है तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है एजोनेंस जैसे इस स्टे, किसी स्ट्रेंजा की एक लाइन है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड यहाँ पर रोड्स और येलो इन दोनों के अंदर जो है ओ का साउंड निकल करके आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस लाइन के अंदर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस है इसी पोएम के अंदर जो अगली पोएटिक डिवाइस है वह है आपकी पर्सोनिफिकेशन इट इज़ यूज फॉर एन इन ऑब्जेक्ट और एनिमल बर्ड लुक और फील ह्यूमन जब कभी भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बताने की कोशिश करें उसको एक्सप्रेस करें तो यहां होता है आपका पर्सोनिफिकेशन जैसा कि इस पोयम में द नॉट टेकन के अंदर कोई लाइन है बिकॉज इट एंड वियर ह्यूमन नेचर में होता है कहीं कही ना कहीं उसकी डिमांड होती है उसकी एक, एक वॉन्ट होती है लेकिन यहां पर वुड की भी एक जो है वॉन्ट शो की गई है नेक्स्ट है इमेजरी इट इज फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट आइडियाज़ एक्शन इन सच ए वे टू शो फिजिकल सेंस कहीं ना कहीं आ, किसी ऑब्जेक्ट के जरिए आइडियाज़ के जरिए आप अपनी पोइटिक डिवाइस को इस तरीके से रखें कि वो हमारी आंखों के सामने कोई सीन क्रिएट कर पाए तो वहाँ होता है आपका इमेजरी जैसे टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलोवुड यानी कि जंगल के अंदर जा आगे जाते वक्त आपको किसी जगह पर दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर जाते हुए रास्ते दिखाई पड़ते हैं तो यह हमारा ऐसा एक पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होने लगता है तो यहाँ हम कह सकते हैं इमेजरी है मैटाफर अ पोइटिक डिवाइस विच कंपेयर्स टू थिंग्स और क्वालिटीज विच आर अनलाइक कि जब कभी भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कोई भी एक क्वालिटी को पकड़ करके हम उसमें कंपेयर करें जो कि सिमिलर दिखती हो तो वहाँ पर आपका मैटाफर होता है जैसे पाथ्स इन द वुड कंपेयर्ड विद द चॉइसिस वन मस्ट मेक इन लाइफ जिस टाइप से जंगल के अंदर हमें दो डिफरेंट पाथ दिख रहे हैं वहाँ हमारे सामने चॉइस खड़ी होती है कि हम कहाँ जाएँ उसी तरीके से ये ठीक उसी तरीके से कंपेयर किया गया है जिस तरीके से हमारी लाइफ में कोई हमारे पास एक ही चीज़ को लेकर के कई ऑप्शन होते हैं एंड ऑन विच ऑप्शन एक्चुअली वी हैव टू चूज़ यहाँ जो सेकेंड uh, पोएम है फ्रेंड्स आपके लिए वो है विंड विच इज़ कम्पोज बाय सुब्रमण्यम बा भारती ने लिखा है और जनरली यहाँ पर विंड जो है कहीं ना कहीं हमारी या विंड के द्वारा क्रिएट करने वाले जो इम्पैक्ट हैं दूसरे उसके स्टॉम्स और ये तो ये ठीक उसी तरीके से रिप्रेजेंट हैं जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है तो आइए समझते हैं क्या इसके एम सी क्यूज़ हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम सुब्रमण्यम भारती हु ब्रोक द डोर्स ऑफ विंडोज दैट इज़ विंड नेम द थिंग्स विंड हैड डन हवाओं के तीज चलने से क्या क्या हुआ है वहाँ पर तो ब्रॉड रैंड टर्न पेजेस एंड ब्रोक द डोर्स ऑफ हु आर अफेक्टेड बाय विंड्स द वीक पीपल हु डज विन गॉड लाइक दैट इज अ स्ट्रोंग पीपल एंड वॉट डज मीन बाय वर्ड प्रॉस्पर ऑब्वियसली फ्लोरिस्ड मीन्स वन हु इज वेरी प्रॉस्पर इन लाइफ एंड हु इज ब्लोन आउट बाय विन दैट इज द वीक फायर एंड वॉट इज मॉरल ऑफ द पोएम दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन

हैविंग अ स्ट्रोंग बॉडी एंड हैविंग अ स्ट्रोंग हार्ट जब हम करेज uh, 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 बन करके है ना स्ट्रोंग बन करके हम विंड की तरह या उसके फ्रेंड बन सकते हैं यू वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम ठीक है हु इज ही इन दिस लाइन कि वो जैसा हम चाहते हैं वो वैसा नहीं करेगा यहाँ पर विंड से मतलब है क्योंकि वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है थ्रोन इन द डिफरेंट डायरेक्शन इट मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब होता है स्केटर यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है फ्रेंड्स वो वो आई है है इस पोयम के के अंदर wind के अंदर विंड एनाफोर उसका मतलब होता है दिस मीन ऑफ द सेम वर्ड्स इन सक्सेसिव लाइंस यानी कि किसी भी स्टेंजर्स के अंदर जो लाइन एक के बाद एक है अगर उनके अंदर सेम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो वहां आपका जो होता है एनाफोरा होता है जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो डोंट डोंटर द पेपर्स डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ भी डोंट है थर्ड नंबर की लाइन में भी डोंट है और यहाँ पर भी डोंट है तो यहाँ पर जो फिगरेटिव डिवाइस uh, है है ना वो है आपकी एनाफोरा और वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विंड सिम्बोलाइज तो इन दिस पोएम विंड सिम्बोलाइजेज द ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स दैट एवरीबडी फेसेस इन देयर लाइफ